बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने बुधवार को हाथी पुल के निकट शिव घाट पर नेशनल शेड्यूल कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मद से प्राप्त प्लास्टिक की बोतलों को क्रस टुकड़े टुकड़े करने की स्थापित मशीन का पूजा अर्चना के बीच श्रीफल तोड़कर फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे ने नेशनल शेड्यूल कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार एवं स्वलंबन NGO नई दिल्ली को यह मशीन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को क्रश करने की यह मशीन नेशनल शेड्यूल कॉस्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने CSR मद से स्वावलंबन स्वयंसेवी संस्था को भेंट की, जिन्होंने यह मशीन नगर निगम हरिद्वार को उपलब्ध कराई है। जिलाधिकारी ने मशीन के उद्घाटन के पश्चात प्रयोग के तौर पर जैसे ही प्लास्टिक की बोतल को एक एक करके प्लास्टिक क्रश करने वाली मशीन में डाला तो मशीन ने बोतल के छोटे छोटे टुकड़े करके नीचे स्थापित ट्रे में भेज दिया। उन्होंने कहा भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसी मशीनें जगह जगह स्थापित की जाएंगी। चंदनम समर्पयामि माला वगैरह ले ली हरिद्वार से अपडेट मीडिया के लिए रणविजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।